संपूर्ण भारत में एक मई से 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को वैक्सीन देने के लिए आज से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होने वाली थी मगर महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने आज ऐलान किया है कि अभी 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को महाराष्ट्र में वैक्सीन नहीं दी जाएगी इसका कारण उन्होंने ये बताया कि यहाँ वैक्सीन की कमी है हमने भी हमारे टीम के द्वारा जब दो दिनों से वसई विरार में दौरा किया तो वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर लोगों में आक्रोश भी व्याप्त था लंबी लंबी कतारें भी थीं लोगों का कहना था कि हम रात को दो दो तीन तीन बजे आकर लाइन में लगने के बावजूद हमको नहीं तो वैक्सीन मिल रही है नहीं प्रॉपर जवाब मिल रहा है कल ही हमारे चैनल से बात करते हुए विरार के प्रभाग समिति अ के माजी सभापति सखाराम माड़िक ने खुला आरोप लगाया राज्य सरकार पर कि डिस्ट्रीब्यूशन व्यवस्था यहाँ बराबर नहीं है यहाँ जितनी वैक्सीन की जरूरत है उतना वैक्सीन नहीं आ रही है दूसरी तरफ महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा एक्टिव मरीज महाराष्ट्र में है तो उस हिसाब से भले ही माल मालिश्ट, माइल किया है कि डेढ़ करोड़ वैक्सीन महाराष्ट्र में आई है पर जिस हिसाब से कोरोना मरीज महाराष्ट्र में पाए गए तो मेरी केंद्र सरकार से भी अपील है और राज्य सरकार से भी अपील है कि किसी भी तरह से महाराष्ट्र में ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन की सप्लाई की जाए यही बात करेंगे कि पहले फेज में जब साठ के ऊपर और कोरोना वॉरियर को जब वैक्सीन दी जा रही थी तब भी वैक्सीन सेंटर के बाहर भीड़ थी जब 45 के ऊपर किया तब भी वो की वो भीड़ अगर हम 18 से ऊपर के लोगों को वैक्सीन देना शुरू करेंगे और जब सेकेंड डोज आएगा लोगों का तो कितनी भीड़ होगी उसके लिए आपको वैक्सीन से, वैक्सीनेशन सेंटर भी बढ़ाने पड़ेंगे वैक्सीन की सप्लाई भी बढ़ानी पड़ेगी जो लोगों में आक्रोश है और उसको आक्रोश को कम करने के लिए और एक डर भी पैदा हो गया जिस तरह से सेकेंड फेज और जो लहर आई है कोरोना की तो उससे लोग बहुत डरे हुए और अभी आशा की एक ही किरण है कि हम अगर वैक्सीन लेंगे तो हम स्वस्थ हो जाएंगे या हमको कोरोना नहीं होगा जब पहले पहले जब ये हुआ था जब वैक्सीन शुरू हुई थी तो लोगों में डर था कि इसके साइड इफेक्ट्स होंगे तब लोग वैक्सीन नहीं ले रहे थे पर अभी डर के मारे लोग यहाँ वहाँ मारे मारे फिरते एक सेंटर से दूसरे सेंटर की तरफ जा रहे हैं दो दिन पहले भी हमने हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताया था कि वसी विरार में कमी है जबकि बहेंदर और मुंबई जाते हैं तो वहाँ दो घंटे में वैक्सीन लेकर आ जाते तो ये अनियमितता क्यों हो रही है ये भी हम जानना चाहते हैं और एक बार पुनः हमारे चैनल के माध्यम से हम प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से निवेदन करना चाहते कि लोगों को राहत प्रदान की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जाए धन्यवाद